छोरा, उठ जा छोरा, उठ जा। यो चंचल कहाँ रह गई? डॉक्टर को बुलाने गई थी, अभी तक ना आई। माँ, बबल को हो सारा है। अबे बैठ जा, वहाँ बैठ रहा। बबल जी, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ कैसे? बात क्या है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे ना ना, ऐसी कोई बात ना है। नाचते नाचते तुझे चक्कर आ गए थे और तू बेहोश हो गया था बस। लेकिन मैं नाच क्यों रहा था? अरे छोरा, संगीत में नाचेगा नहीं तो क्या कुश्ती लड़ेगा? अरे दादी, संगीत में कुश्ती भी हो गई है के? म्यूजिकल कुश्ती कहते होंगे उसे। अरे दादी, पहले बताती तो फिर अखाड़े में ही संगीत करा देते ना। लेकिन छोटे, अखाड़े में संगीत कराएंगे तो लोग पहले क्या करेंगे? कुश्ती लड़ते लड़ते नाचेंगे या नाचते नाचते कुश्ती लड़ेंगे? भाई ये बात तो मैंने सोची ना, पिताजी से पूछते हैं। पिताजी, आपका संगीत कहाँ हुआ था? पहले वाला कहाँ हुआ था वो तो मैंने याद ना है, दूसरा वाला तेरे कान के नीचे होगा ये तय है। दादी, ये किसकी संगीत की बात कर रहे हैं? ए माँ, ये तो अपना संगीत ही भूल गया। अरे चुप कर, शादी की भाग दौड़ के वजह से ऐसा हो गया। छोरा, तेरा शरीर और दिमाग दोनों थक गए, तू आराम कर। माँ, इसीलिए मैं कह रहा था शादी आगे धकेल दो। अरे पिताजी, बोल क्या रहे हो आप? किसकी शादी, कैसी शादी, कौन सी शादी? अरे छोरा, तेरी और अमृता की शादी। दादी, मेरी और अमृता की शादी? भाई, इसको भी मेरी तरह भूलने की बीमारी हो गई है। हाँ, अरे लगता है इसकी भी याददाश्त चली गई है। दादी, आज इसकी शादी करा दी और कल इसने अमृता को पहचानने से इनकार कर दिया तो? अरे मेरी बात मानो तो ये शादी कैंसिल करा दो। करा दो, करा दो। अरे चुप कर, ऐसी शुभ घड़ी में ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। इसकी याददाश्त ना गई है, ये हमें पहचान रहा है, हम सबसे बात कर रहा है। अरे शादी के वक्त ऐसा होता है, दूल्हा थक जाता है ना तो कुछ बातें दिमाग से निकल जाती है। छोरा तू आराम कर, मैं थारे लिए जूस भेजती हूँ, तू कुछ खाएगा पिएगा सोएगा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ ममता, आ तो मेरे साथ। जी दादी जी। बब्बल, कैसा लग रहा बेटे? ठीक हूँ पिताजी। हाँ, तेरी तबीयत को लेके बाहर मेहमान बहुत परेशान है, मैं उनको बता के आता हूँ कि तू बिल्कुल ठीक है, हैं? ख्याल रखना इसका। अप्पू, आ जा मेरे साथ। अरे भाई, शादी के बाद औरतों को चक्कर आता है ये तो सुना था, शादी से पहले लड़के को चक्कर आ रहा है ये पहली बार सुन रहा हूँ। चक्कर क्या है? ओह, अपना बब्बल शादी से पहले बाप तो ना बनने वाला? छोटे, ये वो वाला चक्कर ना है। अरे भैया, ये हो क्या रहा है, मुझे भी तो समझाओ। हाँ हाँ, मैं समझाता हूँ। देख, अभी तो संगीत हुआ है, वो भी आधा अधूरा। देख, तेरे पास अभी भी वक्त है, दुल्हन बदल दे। अरे अमृता को छोड़ और इच्छा से शादी कर ले। कर ले, कर ले। हाँ। अब तबीयत कैसी है बाबा? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप कौन है? बब्बल जी, आपने इन्हें पहचाना नहीं? ये मेरे मम्मी पापा, लगता है चक्कर का थोड़ा सा असर अभी भी है आप पर। आप आराम कीजिए।
हाँ हाँ, इसे आराम की जरूरत है, हम लोग बाहर वेट करते हैं, आ जाओ चलो। आइए आइए आइए। देख अभी तो संगीत हुआ है, वो भी आधा अधूरा। देख तेरे पास अभी भी वक्त है, दुल्हन बदल दे। अरे अमृता को छोड़ और इच्छा से शादी कर ले। ये क्या हो रहा है, हर सही कदम उल्टा पड़ रहा है। अगर आज भी ऐसा ही कुछ। इच्छा, इच्छा बब्बल जी, आप ठीक तो हैं? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। देखिए बब्बल जी, मैं जो भी आपसे कह रही हूँ इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं चाहती हूँ आप हमेशा खुश रहे। बब्बल जी, आप दुनिया की किसी भी लड़की से शादी कर लीजिए, लेकिन अमृता नहीं। अब आप पूछेंगे क्यों, तो मेरे पास इस क्यों का कोई जवाब नहीं है। वो अच्छी लड़की नहीं है, आपके लिए सही नहीं है वो लड़की। आप उससे शादी करके बहुत पछताएंगे बब्बल जी। शायद पछताने का मौका भी ना मिले। बब्बल जी, मैं अपने सपने में भी आपके लिए बुरा नहीं चाह सकती। आपने कई बार अपनी आंखें मूंद कर मेरी बातों पर विश्वास किया है। आज आखिरी बार मुझ पर विश्वास कर लीजिए। मत कीजिए ये शादी, छोड़ दीजिए ये शादी। ठीक है, तोड़ देता हूं मैं ये रिश्ता, मना कर देता हूं अमृता से शादी करने से, लेकिन मेरी एक शर्त है। अच्छा, कैसी शर्त बब्बल जी? शादी तो मेरी कल ही होनी है अच्छा, मुहूर्त भी निकल चुका है। अब अगर अमृता मेरी दुल्हन नहीं बनी तो किसी और को मेरी दुल्हन बनना होगा। तुम बनोगी मेरी दुल्हन? करोगी मुझसे शादी? क्या हुआ इच्छा? इतना मुश्किल सवाल भी नहीं था ये। इच्छा, मुझे लगा तुम्हें एक पल नहीं लगेगा हाँ कहने में, तो फिर ये क्या? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? नहीं, ऐसा लग तो नहीं रहा इच्छा। इच्छा, वक्त जाया मत करो और मुझे बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं बब्बल जी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। तो फिर तुम मुझे किस हक से रोक रही हो? इसमें हक की बात कहां से आई बब्बल जी? मैं जानती हूं अमृता आपके लिए सही लड़की नहीं है, आपको कभी भी धोखा दे सकती है, आपका दिल टूट जाएगा बब्बल जी। इच्छा, टूटने दो मेरे दिल को, इसे टूटने की आदत पड़ चुकी है अभी। बब्बल जी आप नहीं। इच्छा, एक और बात, अमृता मुझे बर्बाद करे, मेरा दिल तोड़े, कुछ भी करे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं इच्छा, क्या लगता हूं मैं तुम्हारा कि तुम मेरे लिए इतना परेशान हो रही हो? तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स भी नहीं है ना, तो मैं जीऊं मरूं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ऐसा मत बोलिए। इच्छा, अब ये रोने का नाटक मत करो मेरे सामने। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है ना, ठीक है, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीने दो। अच्छा, मुझे तुम्हारी किसी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। आपको मेरी सलाह की जरूरत हो या ना हो, मैं फिर भी आपसे यही कहूंगी, मत कीजिए अमृता से शादी, छोड़ दीजिए। तुमने ना कहा है ना,
अब तो ये शादी होकर रहेगी इच्छा। बबल जी मेरी बात तो दिल बहुत घबरा रहा है। मेरा बब्बल अचानक से बेहोश हो गया। अब कैसा है वो? क्या हुआ उसे? अम्मा जी ये बता रहे थे कि होश में आने के बाद बड़ी बहकी बहकी सी बातें कर रहा है और उसे कुछ याद ना है। अपनी शादी, अपना संगीत कुछ याद ना है अम्मा जी। और उसकी माँ जिसने उसे पैदा किया है वो तो याद रखेगा ना अम्मा जी? अपनी माँ को बताओ अम्मा जी। रुक जा चंचल, रुक जा। अरे मुझे कुछ सोचने दे, समझने दे। माँ मैं समझ गया, अपना बब्बल अभी मानसिक रूप से शादी के लिए तैयार नहीं है। अभी भी समय है माँ, यो शादी आगे धकेल दे। थारी सुई वही जाकर अटक गई ना। मैंने कहा ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे एक बार बब्बल को आ जाने दे, मैं खुद उससे बात करूंगी। दादी बब्बल, बब्बल मेरा बच्चा, तू ठीक है ना? तुझे क्या हो गया था? बेहोश हो गया था, मेरा तो दिल बह ही गया था। मैं बहुत परेशान थी तेरे लिए, बताओ कैसा लग रहा है? अरे बातें ठोकना बंद कर चंचल और आ इधर बैठ मारे पास। जी अम्मा जी। हाँ छोरा बोल, क्या बोल रहा था तू? दादी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बता ना क्या बात है। बातें तो होती रहेंगी, पहले यो बता छोरे तेरा चेहरा यो लाल क्यों हो रहा है? पिताजी, दादी मैं अमृता से शादी करने के लिए तैयार हूं। अरे छोरे ये कौन सी राज की बात बता दी तूने? इसके लिए तो तू पहले से तैयार था। हाँ वो बात दूसरी है कि थोड़ी देर के लिए भूल गया था। हाँ पिताजी, लेकिन मेरे दिल में कुछ सवाल थे, अब मुझे उन सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। अब मैं सिर्फ उन्हीं चीजों को, उन्हीं लोगों को भूलूंगा जिन्हें मुझे भूलना चाहिए। दादी आपने मेरे लिए बिल्कुल सही लड़की चुनी है और कल के कल अमृता के साथ मेरी शादी हो जानी चाहिए। मैंने कहा था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हे नागोमी देव, कैसी दुविधा है ये? जी किसी भी तरह बब्बल जी को ये शादी करने से रोकना है और वो है कि मैं क्या करूं नागोमी देव? अमृता की असलियत बब्बल जी को बता नहीं सकती क्योंकि उसके साथ साथ मेरी असलियत भी खुल जाएगी और मुझे उस बात की इतनी परवाह नहीं है जितनी इस बात की है कि मेरा सच जानने के बाद परिवार के सब लोग मुझ पर विश्वास करेंगे या नहीं। बब्बल जी अपने जिद पर अड़े हैं, वो नहीं जानते कि वो क्या करने जा रहे हैं और मैं जानती हूँ। मैं अपने प्यार को इस तरह खतरे पर नहीं डाल सकती। मुझे बब्बल जी को बचाना है, अब आप ही कोई मुझे रास्ता दिखाएंगे। क्या बात है बेटी, परेशान लग रही हो? परेशान तो हूं पंडित जी, नागिन होने की और इंसान से प्यार करने की परीक्षा दे रही हूँ। देखो बेटी, ये नागोमी देव का घर है, यहाँ पर हर पहेली को सुलझाया जाता है, हर समस्या का हल निकल आता है यहाँ। खुल के कहो क्या हुआ है? जो दर्द मुझे मिला है वही दर्द मैं इस परिवार को दूंगी, इस परिवार के एक एक सदस्य को भयानक मौत दूंगी। नहीं, नहीं।
कुछ ही घंटों में बब्बल की नाग आपकी चरण विधि शुरू होगी। बचा लो अपने बब्बल को, जाओ। मतलब कि तुम आने वाली पूनम की रात को रोकने वाली हो, क्योंकि तुम मुझे तो रोक नहीं सकती। मैं बब्बल को नाग बना कर ही रहूंगी। अब बताइए पंडित जी, इस समस्या का क्या हल है? हल है बेटी, इस समस्या का हल है, परंतु मुश्किल है और जानलेवा है। पंडित जी, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, मुझे बस बब्बल जी को बचाना है। आप बताइए ना। देखो बेटी, विशैलगढ़ में एक मणि है और उस मणि को जब भी आग में डाला जाता है, विशैलगढ़ के वासियों को उनके असली रूप में आना ही पड़ता है। तो आपके कहने का मतलब है, अगर मैं अमृता के सामने वो मनी आग में फेंक दूं, तो उसे अपने नाग रूप में आना ही होगा। आना ही होगा, चाहे जहां हो और जिन हालात में हो। फिर तो मैं वो मनी अभी। सावधान बेटी, मैंने तुमको पहले ही कहा था, यह आसान नहीं है, क्योंकि उस मणि तक पहुंचने का रास्ता विशैलगढ़ से होकर गुजरता है और कदम कदम पर मणि के रक्षक घात लगाए बैठे हैं। उनके पास अद्भुत जादुई शक्तियां हैं, तुम्हारे इरादों की भनक पड़ते ही वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन अब मैं वो मनी शैलगढ़ से यहां लेकर ही आऊंगी। ये इंसान भी कितने अजीब होते हैं, कैसी कैसी वाहियात रस्में होती हैं इनमें। अच्छे खासे गोरे शरीर पर यूं हल्दी लगाना, ये कहां की समझदारी होती है। दीदी, अब इंसानों की बस्ती में आए हैं तो रस्में तो निभानी पड़ेंगी। और उससे जो तुम्हारी त्वचा खराब होगी उसका क्या? बर्दाश्त कर लूंगी। बब्बल को पाने के लिए इतनी तकलीफ तो मैं झेल सकती हूँ। अच्छा होता अगर शादी से पहले तुम नाग आत्मीकरण की विधि को पूरा कर लेती, फिर नाग बने दामाद जी को हम अपने विशाल घर लेकर जाते और वहां अपने रीति रिवाज के हिसाब से तुम दोनों की शादी कराते। वो तो अब भी होगा महारानी जी, राजकुमारी की शादी का जश्न पूरा विशाल घर देखेगा। हाँ दीदी, अपनी एक एक हसरत आपसे पूरी करवाऊंगी मैं। अरे अप्पू, तू यहाँ कुछ काम था? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस इच्छा को ढूंढ रहा था। तू जानता है ना कि इच्छा और मैं एक कमरे में नहीं रहते। अच्छा, हाँ ओके, आप लोग चलो। बहुत चालाक लड़का है ये, कहीं इसने हमारी बात ना सुन ली हो। नहीं, अगर इसने हमारी बातें सुनी होती तो पूरा घर सर पे उठा लिया। चाचू, इच्छा कहाँ है? आपने उसे देखा है क्या? ना, हम में से किसी ने ना देखा उसे, और उसे देखने का मन भी नहीं है। और ऐसी शुभ घड़ी पे वो ना दिखाई दे वही अच्छा है। अब जाए यहां से। इच्छा को पूछ रहा है। लगा छोरी, अच्छे से हल्दी लगा। इच्छा, ये क्या कर रही है तू? अब मत रोको माँ, मैंने बहुत सोच समझ कर ही कदम उठाया,
इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। इच्छा, ये विशैलगढ़ है, यहाँ कदम कदम पर मौत नाचती है। सपूली, यहाँ से अंदर गया हुआ कोई भी आज तक जीवित वापस नहीं आया है, लेकिन मैं वापस आऊंगी माँ, बब्बल जी के लिए। इच्छा, ये पागलपन है। नहीं पिताजी, ये कर्तव्य है। किस कर्तव्य की बात कर रही है तू? इच्छा, तू एक नागिन है, इंसानों के लिए तेरा कोई कर्तव्य नहीं है। आज तक तूने जो किया बहुत हुआ, अब हम तुम्हें ये सब नहीं करने देंगे। किसी इंसान की जान बचाने के लिए हम अपनी सपोली की जान खतरे में डाल दें? ना बड़ा कलेजा नहीं है हमारे पास। ऐसा मत कहो माँ, मुझे ये करना होगा। क्यों? क्यों करना होगा? ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तू? प्यार करती हूँ मैं उनसे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.